नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर के। आपको जो वीडियो मिलते हैं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है, इस चीज़ को लेकर के आपकी कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। आप जिनके भरोसे बैठे हुए हैं, आप लगते हो कि हमारे तो भगवान ने हमें बता दिया कि अब यही कट ऑफ जाएगी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हो, इस चीज़ को लेकर के मैं कुछ अपडेट दूंगा। आपको बहुत सी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय हो, अपने फ्यूचर को आप बनाना चाहते हो, या फिर आप भावनाओं में बह करके बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सच्चाई से वाकिफ होना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम डेट को लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के लाइफ में डीमोटिवेट होते हैं, तो आपको मेरा एक और चैनल मिल जाएगा उमेश शर्मा 2.0 के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा करके आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस की रीजनिंग की क्लासेज, ठीक है, रीजनिंग, और जल्दी आपके जीके भी स्टार्ट हो जाएगी, रीजनिंग की क्लासेज बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जो दिल्ली पुलिस के लिए ही अवेलेबल है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ, इसकी जो रीजनिंग की PDF है, वो भी 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसके साथ आपको इसका वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, जो कि इसके साथ फ्री होगा। इसके लिए आप मुझे 7733943243 पर आकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज भी मिल जाएंगे, जिससे एग्जाम डेट को लेकर के या कोई भी आपके मन में असमंजस हो, उसे मैं दूर करूँगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ से रिलेटेड आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बताई जा रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि आप हमसे पढ़ेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसी चीज़ें अफवाहें मार्केट में चलती रहती हैं, और सभी लोग अपना जो भी है अपने पेट पालने के लिए, हर एक इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी करूँगा। लेकिन कई चीज़ें, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नॉलेज आपको दे रहे हैं और देंगे भी और देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आपको ऐसे उठाया, स्क्रीन पे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं, और आपको पुरानी जो कट ऑफ है वो बता करके आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता रहे हैं, और आप उनके भरोसे बैठे हैं। देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कोई भी नहीं जानता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे या जो कट ऑफ थी, ज़रूरी है कि आगे भी वैसा ही पेपर बने? ज़रूरी है कि एग्जामिनर का माइंडसेट वैसा ही आज भी रहे? हर बार माइंडसेट चेंज होता रहता है, जनरेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है। पिछली बार जो बच्चे थे वो और ज़्यादा प्रिपेयर होकर के बैठे हुए हैं, नए बच्चे आए उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। आप ये बात समझते होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और एग्जामिनर भी ज़रूरी थोड़ी कि पुराने वाले जिन्होंने पेपर क्रिएट किया था वो ही वापस से पेपर बनाएंगे। हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो, नए कैंडिडेट हो, जिनका माइंडसेट अलग हो और बहुत अलग लेवल का पेपर बना दे। आप इनके भरोसे बैठ करके आप वही कट ऑफ अपने माइंड में सेट करके बैठे रहोगे और आप उतना ही पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जो सबसे बड़ा सत्य है कि आप इन चीज़ों को लेकर के, जैसे मान लीजिए आपको बता दी कि आप पिछली बार 80% कट ऑफ गई थी जनरल की, आप ये 80% सोच करके चलोगे और आप डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं करोगे। हो सकता है कि 80% नहीं गई, पेपर का लेवल हाई आ गया, 60% में जनरल का सिलेक्शन हो गया, तो आप तो ये सोच के बैठे थे, और वहाँ पे अगर माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर आपने गलतियाँ कर दी तो आपका क्या होगा? कई लोग बोलेंगे सर इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, आप ये सोच के चलो अभी है या नहीं है, छोड़िए, क्योंकि HCM कांस्टेबल वाले भी हैं इसमें, जिसके अंदर माइनस मार्किंग है। और इसमें कि अगर आपका कुछ भी आपने गलत कर दिया, इसी एग्जाम को लेकर नहीं, हर एक एग्जाम को लेकर के मैं बता रहा हूँ, तो आप ये गलती कर दोगे ना, क्योंकि आपने भी माइंड में सोच रखा है कि मुझे 80 क्वेश्चन तो करने हैं, यानी 80% मार्क्स तो लाने हैं, तो ये चीज़ आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे ना। लेकिन अगर आपको 80% ही बता दी, और मान लीजिए आपकी कट ऑफ चली गई 90%, ये सोच के चलिए 90%, आप तो पहले इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर थे ना, 80% 90% चले गए, पेपर का लेवल बहुत ईजी था और आप तो सिर्फ इतना ही प्रिपेयर होकर के आए थे, तब क्या करोगे? तब आप उस टीचर को जाकर के जो वीडियो देखा था वहाँ जाकर के बोलोगे क्या? तब तक वो उस वीडियो को हटा चुका होगा। इसलिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो अपने माइंड से सेट करनी होगी, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, किसी की बातों में मत आइए। भविष्य का गर्व है, इसके अंदर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ लोग व्यूज के लिए आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड कभी नहीं होता। मुझे भी बच्चे NTPC रेलवे को लेकर के, मेरे चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें पूछा जाता है हमेशा कि सर इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो, हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नहीं बच्चों, ये चीज़ गलत होगी, आपके साथ मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता हूं,
ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, इन लोगों के बहकावे मत आइए। अभी आपका कर्म है तैयारी करना, अपना लेवल आप ये सोच के चलो ना, मुझे 100% मैटर कवर करके चलना है। आप क्यों 70-80% में अटकना चाहते हो? अगर आपको थोड़ा बहुत भी खुद पे विश्वास होगा ना, अगर विश्वास होगा अपने आप पे, अपने परिवार पे और अपने सपनों पे, तो आप इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, इस दौर में जो क्राइसिस चल रहा है, इस दौर में अगर ये जॉब आपने मिस कर दी ना, लोगों की बातों में आकर के हम ये कर देंगे, हम वो करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवाने वाला, करना आपको ही होगा, मेहनत आपको करनी है। तो आप क्यों किसी और के भरोसे बैठे हैं? कोई और आपको कहीं और दूर बैठा हुआ सपने दिखा रहा है और आप उन सपनों के जाल में फंसते जा रहे हैं। अपने आप को धरातल पर लाने की कोशिश कीजिए, सपनों की दुनिया से बाहर आइए, अभी भी वक्त है। अगर आप नहीं जगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ अभी काम है कर्म करना, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है, हर कट ऑफ को आपको पीछे छोड़ना है और आगे निकलना है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। हर एक सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलिए, कौन सा सब्जेक्ट कितना मैटर कवर करता है, ज़्यादा भी नहीं तो आप ये मान के चलिए, रीजनिंग और कंप्यूटर को तो अपनी पावर बना लीजिए। ये जो PDF मैंने बोली है ना, इससे बाहर आपका राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी आपका होना, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ आपका जो कंप्यूटर का है, ठीक है, कंप्यूटर में भी आप 10 मार्क्स अच्छे से कवर करके चलिए। इसके साथ आप GK को, जैसे मैथ आपकी बहुत वीक होती है ना, तो मैथ को आप जितना 15 मार्क्स की है उसको जितनी आती है तो ठीक है, नहीं बाकी ज़्यादा टाइम खराब मत करो, आप GK पे दीजिए। GK के लिए बेस्ट बुक वगैरह आपको अगर चाहिए तो मैंने आपको दिल्ली पुलिस का बेस्ट बुक का वीडियो बना रखा, उसमें भी मैंने आपको बता रखा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। किसी के बहकावे में मत आइए। आपको कट ऑफ प्रीवियस ईयर के पेपर दिए जाते हैं, हाँ पेपर आप खुद से नेट से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ लीजिए, अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और अगर आपको मेरी बात में सच्चाई लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत से लोग, गरीब लोग, जिनके जेब में एक रुपया नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों में आकर के ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद खरीद करके पागल बन रहे हैं और अपने भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस जो भी मिशन है इसमें आप मेरा साथ देंगे और अपना प्यार और स्नेह यूँ ही बनाए रखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।